So this is complete a sound bar, which is of including one subwoofer, two speakers. So all three components are there, making this sound bar is quite effective and very good sound output. Sony itself is a good brand for any music instruments, or you can say any music speakers or components. Sony is the best in that. Hello friends, welcome back. Jai Hind dosto. आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताऊंगा, काफ़ी अच्छी है, गुड फॉर पर्पस, वैल्यू फॉर मनी। एक साउंड बार, सोनी का 2.1 चैनल साउंड बार मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर अनबॉक्स करके दिखाऊंगा, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, उसकी डिटेलिंग्स के बारे में बताऊंगा, जो मैंने इस सीज़न, ये जो हमारी सेल चल रही है अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मैंने ऑर्डर किया है अपना फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो ये है मेरा एक सोनी का साउंड बार, 2.1 चैनल साउंड बार। इसमें इनबिल्ट आपको सबवूफर मिल जाता है, आपको दो स्पीकर और एक सबवूफर इसके अंदर मिलता है। किसकी आउटपुट आपको जो मिल जाती है, काफ़ी इफेक्टिव आउटपुट है, आपके रूम में काफ़ी सराउंड साउंड आप इससे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, करते हैं इस प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अनबॉक्स इस सोनी साउंड बार को 2.1 चैनल। देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या क्या देखने मिलता है। अगर मैं बात करूं, बॉक्स काफ़ी हैवी है, चलिए अनबॉक्स करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। लेट्स ओपन दिस बॉक्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहली चीज़ जो हमें देखने मिलती है, मैं आपको यहीं से इसकी डिटेलिंग बता देता हूँ। ये इसके साथ हमें पावर अडाप्टर मिलता है फ्रॉम सोनी। मैं इसे खोल के आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये है इसका अडाप्टर हमारे पास साउंड बार का, दिस इज 24 वोल्ट अडाप्टर। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, इसको एक तरफ रखते हैं अभी। इसके अलावा हमें यहाँ पर साउंड बार का रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, कि काफ़ी स्लीक सा, काफ़ी क्यूट सा है रिमोट अगर मैं बात करता हूँ फ्रॉम सोनी। ये हमारे को यहाँ पर HDMI केबल मिल जाती है एक इसके साथ। साउंड बार को TV के साथ कनेक्ट करना हो, आपने किसी और अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना हो, आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये हमारी पावर अडाप्टर की केबल मिल जाती है, जो कि यहाँ पर AC अडाप्टर में जाएगी आपकी, उसके बाद ये यहाँ पर पावर अडाप्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगी, आप इसके साथ इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। यहाँ हमें आपको AAA की दो बैटरियाँ देखने मिलती हैं, जो कि आपके रिमोट में इंसर्ट हो जाएंगी टू प्लग इन द रिमोट। चलिए इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं और चलते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट की तरफ। उससे पहले सोनी की डॉक्यूमेंटेशन, या हमें इसकी यूजुअल डॉक्यूमेंटेशन देखने मिलती है, जो कि सोनी हमें प्रोवाइड करता है। हाउ टू सेटअप दिस साउंड बार, हाउ टू यूज इट, हम इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, यूजुअल डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम सोनी। तो दोस्तों, ये है हमारा साउंड बार। लेट मी जस्ट क्लियर दिस स्टफ अ लिटिल बिट। तो चलिए ओपन करते हैं इसको। ब्यूटिफुल, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको। इसके वेट की अगर मैं बात करूं, इट्स नियरली 3 kgs। इसका वेट अगर मैं उठा कर देख सकता हूं, इसका वेट नियरली 3 kg होगा इजीली इस साउंड बार के अंदर। मैं थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल्स के बारे में बता दूं। दिस इज, लेट मी जस्ट कीप इट हियर। अगर मैं साउंड बार के बारे में बताऊँ आपको, दिस इज 2.1 चैनल। 2.1 चैनल का मतलब होता है आपको इसके अंदर दो स्पीकर मिल जाते हैं, जिनकी वॉटेज की अगर मैं बात करूं, 32 वॉट के आपको 32+32 दो स्पीकर आपको मिल जाते हैं। वन स्पीकर इज इक्वल टू 32 वॉट्स, प्लस एक आपको इसके अंदर सब वूफर मिल जाता है फॉर सराउंड साउंड आपको इफेक्ट देने के लिए, जिसका कि वॉटेज की मैं बात करूं, दैट इज 64 वॉट। सो दैट मेक्स दिस 2.1 चैनल ऑफ स्पीकर। सो दिस इज कंप्लीट अ साउंड बार विच इज ऑफ इंक्लूडिंग वन सबवूफर, टू स्पीकर। सो ऑल थ्री कॉम्पोनेंट्स आर देयर, मेकिंग दिस साउंड बार इज क्वाइट इफेक्टिव एंड वेरी गुड साउंड आउटपुट, प्रोड्यूसिंग वेरी गुड साउंड आउटपुट। अब इसकी मैं बात करता हूँ, यहाँ मैं आपको इसके कुछ पोर्ट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको यहाँ पावर का आपको पोर्ट मिल रहा है, जहाँ पर आप पावर इसमें ऑन करने के लिए इसको पावर का इनपुट देंगे इस जगह पर। इस जगह पर मैं अगर बात करूँ फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में HDMI पोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, दो HDMI पोर्ट मिल जाते हैं। आपको ऑप्टिकल कनेक्टिविटी के लिए यहाँ एक पोर्ट मिल जाता है फॉर योर ब्लूरे प्लेयर्स। अगर आपके पास ब्लूरे प्लेयर्स हैं, अगर आपका सेट टॉप बॉक्स ऑप्टिकल कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है, आप उसको यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं इस पोर्ट के थ्रू। ऑप्टिकल पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर
कुछ एलईडी लाइट इसके ऊपर मिल जाती हैं आपको, जो कि आपको दिखाती हैं आपका सिस्टम ऑन है, आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट है या आपका सिस्टम टीवी से कनेक्ट है, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है यहाँ पर। इसके आगे अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये आपको यहाँ इंफ्रारेड एक आपको दिख जाता है यहाँ पर इनपुट के लिए, जिससे कि आपका ये कनेक्ट होता है आपका रिमोट को कंट्रोल करने के लिए, इसको रिमोट से कंट्रोल करने के लिए ये डिवाइस को ये इंफ्रारेड का यहाँ पर डिस्प्ले पैनल दिया गया है। तो ओवरऑल दिस इज अ प्रोडक्ट, अगर मैं बात करता हूँ, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक है, काफ़ी इलीट प्रोडक्ट है फ्रॉम सोनी, एंड सोनी इट्सेल्फ इज़ अ गुड ब्रांड फॉर एनी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और यू कैन से एनी म्यूजिक स्पीकर्स और कॉम्पोनेंट्स, सोनी इज द बेस्ट इन दैट। सो दिस स्पीकर इज रियली अ मस्ट नीड फॉर होम, फॉर मेकिंग योर होम एज अ गुड सराउंड साउंड सिस्टम। सो आई विल रिकमेंड दिस स्पीकर फॉर एवरी इंडिविजुअल। अगर मैं यहाँ पर इसकी प्राइस की बात करता हूँ, इसका प्राइस इसके बॉक्स पे कोट किया गया 30,000, बट ड्यूरिंग दिस सेल, दिवाली फेस्टिव सेल सीजन ऑन Amazon और Flipkart, यू कैन ईजिली गेट दिस स्पीकर वर्थ 22,999 रुपीज फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर्स। तो आप ये चीज़ वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं और आप इस साउंड बार को ऑर्डर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो अनबॉक्सिंग इस साउंड बार की, जो कि काफ़ी अच्छा है, यूज़फुल है, आपके होम को एक सराउंड साउंड सिस्टम और एक सराउंड साउंड दे सकता है। इसका मैंने आज एक छोटा सा रिव्यू और अनबॉक्सिंग किया है। आपको ये वीडियो होपफुली पसंद आया होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी, आप अपना माइंड बना सकते हैं। इफ़ यू रियली लुकिंग फॉर सम गुड स्पीकर, सम गुड साउंड बार, यू कैन गो फॉर इट। अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। सो फॉर नाउ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।